हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जीमेल के द्वारा किसी के पास फोटो सेंड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अगर हमें जीमेल के द्वारा किसी के पास फोटो सेंड करना रहे तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीमेल ऐप के द्वारा किसी के पास अगर आप फोटो सेंड करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हो। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। और जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कंपोज का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों, आप जिस भी फ्रेंड के पास अपना फोटो सेंड करना चाहते हैं उसका जीमेल आईडी आपको टू वाले पैराग्राफ में आपको डाल देना है। तो दोस्तों, हम अपने फ्रेंड का यहाँ पर जीमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने जीमेल आईडी को डाल दीजिएगा अपने फ्रेंड का। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरीके से फोटो लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आ जाता है कंपोज ईमेल। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो भी मैसेज आप करना चाहते हो इस तरीके से मैसेज कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फोटो, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अटैचमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अटैच फाइल का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके फ़ोन में के गैलरी में जितनी भी इमेज रहेंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से। तो आप फोल्डर द्वारा किसी फोटो को खोजना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका फोटो जिस भी फाइल में होगा उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरा कैमरा फोल्डर में है, तो दोस्तों मैं कैमरे को इस तरीके से ओपन कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए ये फोटो एक सेंड करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड के पास, और एक फोटो ये सेंड करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना एक बार। उसके बाद दोस्तों, आपका फोटो सेंड हो जाएगा आपके फ्रेंड के जीमेल आईडी पर। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि हमारे फ्रेंड के जीमेल आईडी पर फोटो सेंड हुआ कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। और जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेंड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जिस भी फ्रेंड के पास आप फोटो या वीडियो या कुछ भी सेंड किए रहेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि vikas53.pal वाले मैं फ्रेंड के पास यहाँ पर इसी जीमेल आईडी पर अपना फोटो यहां पर सेंड किया हूं। यही दो फोटो है जो कि मैंने यहां पर सेंड किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी के पास भी जीमेल के द्वारा फोटो सेंड करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।